तो गाइज ये है पूरा देहरादून और ऐसा करके है पूरा नज़ारा अभी सुबह सुबह के, है ना। और रूही भी इधर खड़ी है और ये है पूरी माल रोड और मैं हूँ यहाँ पे। सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 10 और हम जाने वाले हैं लैंडोर। तो यहाँ से पहले हमें स्कूटी रेंट पे करनी है ना, तो स्कूटी सबसे बेस्ट रहती है अगर आपको कोई भी नियर बाय पॉइंट कवर करने हैं तो। और आज रूही का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे। तो पहले तो स्कूटी देख लेते हैं भाई, स्कूटी मिल जाएगी कहीं पे रेंट पे, तो फिर चलते हैं अपना लैंडोर। और जो लैंडोर जगह है भाई वो ब्रिटिश ने बनाई थी, 18 सेंचुरी की प्लेस है। और जो लैंडोर है वो बिल्कुल ही अनटच प्लेस है भाई मसूरी की, और मसूरी से आई थिंक 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस मसूरी टू लैंडोर। और वहाँ पे जो घूमने की जगह है लैंडोर में, लाइक लैंडोर बेकर्स, और वहाँ पे बोलते हैं कि 4 दुकान और 24 मकान, तो वही सब है बस। तो अभी गाइज अपने को स्कूटी मिल गई है रेंट पे, तो ये भैया ने दी है। तो अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो ये इनका कार्ड है, तो स्क्रीन शॉट ले लेना। मसूरी से और कहाँ था? अच्छा ऋषिकेश, ठीक है गाइज। चलो अब हम चलते हैं ना, थैंक यू भैया, आओ सोनू, ठीक है, हाँ दे रहा हूँ। तो ये दी अपनी स्कूटी, चाबी लगा देते हैं, भीड़ हो रही है बहुत, है ना। तो अभी गाइज यहाँ से हमने स्कूटी में डलवा लिया है पेट्रोल, 200 रुपये का बहुत है ना। और लैंडोर के लिए हमें जाना है इधर, देखो वो साइन बोर्ड भी है ना लैंडोर का। तो अभी यहाँ से बस 5 किलोमीटर है, और मेरे को जो स्कूटी है वो रेंट पे मिली है 500 रुपये में, है ना। तो 500 रुपये में आप स्कूटी ले सकते हैं और 200 रुपये का पेट्रोल, तो 700 रुपये में आपका पूरा दिन का मिलता है रेंट पे, है ना। सुबह 9 बजे से शाम तक 6 या 7 बजे तक आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं लैंडोर के लिए। हेलो, हम पहुंच चुके हैं लैंडोर। और जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है लाल टिब्बा, और ये 1969 से है ना। हाँ। तो एक बार आपको दिखाता हूँ ना, तो ये कैफे वगैरह बना रखा है और ऊपर पॉइंट है, तो वहाँ से आपको ना पूरा नज़ारा दिख जाएगा। तो अभी एक बार ऊपर चलते हैं, चलो बजे गल। तो ऐसा कुछ कैफे और ऐसा कुछ नज़ारा है ना, चलो। ओए अजय, बाइनोकुलर में देखेगी तू? तो अभी गाइस हम आ चुके हैं टॉप पे, तो टॉप पे ऐसा 360 व्यू है कुछ। ये कौन सी जगह होगी पता कुछ? मसूरी तो होगी नहीं, है ना, मसूरी से तो हम इधर से आए हैं, है ना। तो यहाँ पे बस फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं अब, ये ऐसा ना सर क्या अच्छी आवाज है ना। ओ भाई तो अभी गाइस हम आ चुके हैं लैंडोर बेक हाउस पे। तो ये लैंडोर बेक हाउस है ना, और यहाँ पे बस एक तो ये बेक हाउस है और एक यहाँ पे ये दुकान है, और यहाँ पे बस लिमिटेड दुकान ये है ना, और कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में आ जाता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो एक बार आपको क्लोज से व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर, तो फोटो शूट चल रहा है ये रहा। तो ऐसा कुछ लैंडोर बेक हाउस है, भीड़ लग रही है भाई अंदर, तो डोनट वगैरह यहाँ पे ब्रेड वगैरह मिल जाएगी, तो कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक बार अंदर चलते हैं गाइस,
तो यहाँ से खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये सीटिंग एरिया है। अच्छा, अंदर भी सीटिंग एरिया है। नाइस। भैया कितना पुराना है ये? हाँ, कितना पुराना है? अच्छा, यहाँ पे लिखा है। अच्छा, 1800 से। ओके, किचन बेक कुड और मेड 19th सेंचुरी से। लैंड ओवर 100 ईयर है वो। तो अभी गाइज हम आ चुके हैं चार दुकान जो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है लैंड ओवर की। और यहाँ पे ना चार दुकान और 24 मकान है ना, जो पहले से ही ब्रिटिश के ज़माने से यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद से फिर यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया बन गया, तो फिर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चार दुकान है, 1, 2, 3, 4। तो ऐसी बस लाइन वाइज बन के रखी है चार दुकान, और तो कुछ नहीं है बस। और यहाँ पे आप बैठ के सिटिंग एरिया खा सकते हैं कुछ। यहाँ पे छोटा सा पार्क बना के रखा है एक, और ये चर्च है यहाँ पे, है ना, इसके बराबर में है ना। अच्छा लग रहा है ना, देखो इधर से व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो अभी हम भी कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से फिर 1 घंटा लगेगा वापस माल रोड जाने में, है ना। आ जाओ। और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर भी, देखो ये वाली फेमस दुकान है। देखो सचिन इधर, सेलिब्रिटीज भी आते हैं ना इधर। तो गाइज अभी हम आए हैं डलाई हिल्स। तो ये नीचे से आना पड़ता है पूरा। थक गए है ना। तो एक मोनेस्ट्री है, तो यहाँ पे ऐसे चढ़ना पड़ता है, तो फिर ऐसा आएगा एक व्यू। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखो। इसके ऊपर भी जाना है तो थोड़ा सा ऊपर भी और जाना है। तो ये आ जाओ। तो गाइस हमें ऊपर जाना है वहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है। ओ माँ को, यहाँ से देखना नज़ारा भाई, हालत ख़राब हो जाती है नीचे से ऊपर आने में, है शानू ये देखो कैसे चल रही है। आ जाओ। फ्यू मोर स्टेप्स टू गो, देन वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। ये एकदम बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन पे भाई ये वाला, और ऊपर से जो व्यू आएगा ना आप देखना। ये देखो, अभी देखो आप, मस्त। तो अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं, रोहित तो पहले ही पहुंच गए मेरे से, और एक बार आपको ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे है बुद्धा जी का स्टैचू, टॉप ऑफ द हिल। और यहाँ से व्यू देखो आप एक बार, ये देखो। ऐसा कुछ व्यू है। तो भी बस यहाँ पे थोड़ा सा आराम से बैठते हैं एंड फील द नेचर, है ना। तो शांति बहुत है यहाँ पे ऊपर आके, है ना। तो अपना थोड़ा सा फील लेते हैं माउंटेन की, जिसे कहते हैं। तो अभी कैंडल जल चुकी है गाइस, है ना। तो आज रूही का बर्थडे, तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम घर आए थे। तो अभी केक कटिंग सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। चलो फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको मैं खिलाता हूँ। नहीं काटूंगी। अच्छा हाँ, पहले काट तो दो। ये लो, पहले मेरे को खिलाने दो। ये दो, ये लो। हैप्पी बर्थडे, पूरा खा जा, पूरा खा, पूरा खा दे। अब मेरे को तो दो दो दो, भूख लग रही है। मैं खाऊंगी।
आइज क्लोज करो ना। अरे लगाऊंगा नहीं, कुछ गिफ्ट देना है, गिफ्ट भी तो मिलते हैं बर्थडे पे, है ना। तो एक सेकंड गाइस, ये लो। क्या खोले तो क्या है? छोटी सी पूछे। तो गाइज ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़।